YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, टूडेज व्लॉग इज कि जैसा कि गाइज हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग डेली व्लॉगिंग करेंगे, तो गाइज उसी हिसाब से मैंने व्लॉग को स्टार्ट कर लिया। तो चलो पहले गाइज व्लॉग को स्टार्ट करते हैं एंड फिर बाकी बातें आपसे करेंगे आगे। चलो पहले व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइज जैसे कि कल की तरह आज भी हम लोग गाइज हम लोग ने व्लॉग को कर लिया स्टार्ट। और गाइज अभी बज रहे हैं रात के 1:30, और जो कि गाइज मैं थोड़ा सा धीमे बोल रहा हूँ तो हो सकता है कि आप लोग को वॉइस की कुछ प्रॉब्लम हो। एंड गाइज कल की तरह गाइज हम लोग ने फिर से वही हम लोग गाइज पुराना काम, हम लोग गाइज असाइनमेंट बना रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज क्यों ना व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए, क्योंकि जैसे हम लोग ने कहा था कि डेली व्लॉगिंग करेंगे। एंड दूसरी चीज़ गाइज, फटाफट आप लोग कमेंट मुझे करके बताओ कि आप लोग को Q&A वीडियो चाहिए कि नहीं। कोई भी मुझसे आप गाइज क्वेश्चन पूछो, फटाफट गाइज कमेंट में जाओ, Q&A के क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो, और उसमें से गाइज मैं कोई भी बढ़िया क्वेश्चन उठा के आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा एक अच्छी सी। तो गाइज फटाफट जाओ और मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग मुझसे क्या पूछना चाहते हो। जल्दी से जाओ यार, कमेंट करो फटाफट। एंड गाइज दूसरी चीज की अभी बज रहा है गाइज रात के 1:30, और अभी हम लोग गाइज जा रहे बनाने असाइनमेंट। तो गाइज चलो फटाफट बनाते हैं असाइनमेंट, और जैसे कि प्रोजेक्ट टाइप के होते हैं गाइज, जमा करना था कॉलेज में, फटाफट जमा करते हैं। वैसे भी गाइज लेट हो गया है, तो फटाफट बना के सबमिट करते हैं। एंड दूसरी चीज़ गाइज कि मैंने ये सोचा क्यों ना हम लोग रात में डेली गाइज ब्लॉग स्टार्ट कर लिया करें। उससे क्या होगा कि गाइज हम लोग पूरे दिन का शूट करके आप लोग को क्या कहते हैं रात में ही वीडियो एडिट करके अपलोड करके आप लोग देख सकते हो वीडियो में क्या है। तो इसलिए गाइज मैंने सोचा कि अब मैं क्यों ना मैं डेली वीडियो को स्टार्ट कर लिया करूँ। एंड गाइज अभी आप देख रहे हो कितने अजीब से गाइज बाल वगैरह मेरे हो रखे, क्योंकि गाइज रात में कौन बाल झाड़ता है। एंड थोड़ा सा इग्नोर करना अगर अच्छा ना लग रहा हूँ। तो गाइज चलो फटाफट अभी हम लोग थोड़ी देर लिखते हैं, एंड लगभग 2-2.5 घंटे का काम है, तो ये मान के चलो गाइज 3:30-4 बजे तक का काम है सुबह के। फिर उसके बाद हम लोग सोएंगे, तो फिर आपको दिखाते हैं। चलो गाइज पहले हम लोग कुछ लिख लेते हैं, थोड़ा बहुत असाइनमेंट्स वगैरह बना लेते हैं, एंड फिर आपसे मिलते हैं। हे फैमिली, बज रहे हैं गाइज रात के 3:15, और अभी गाइज थोड़ा बहुत मेरा कम से कम गाइज 2 असाइनमेंट गाइज कंप्लीट हो गए होंगे। और वैसे गाइज अभी नींद वींद तो मेरे आ नहीं रही, तो मैं सोच रहा हूँ कि जब तक नींद नहीं लग रही तब तक जितने असाइनमेंट्स बना पाऊँ तब तक बना लूँ, क्योंकि सबमिट भी करने गाइज। तो फटाफट बनाते हैं इसको, और सबसे बड़ा झंझट वाला गाइज काम है ये, और देखते हैं कि गाइस क्या होता है। वैसे सुबह गाइस मेरा एक प्लान बन रहा है कि सुबह गाइस 5 बजे या अराउंड 5:30 बजे हम लोग गाइस थोड़ा सा मोटो व्लॉगिंग करने चलेंगे बाहर स्कूटी पर। तो गाइस चलो फटाफट मिलते हैं आपसे सीधे सुबह 5:30 बजे, और अभी जितनी देर में इसको बना पाता हूँ बनाऊँगा। और अगर 4:30-4:30 बजे तक बनाता, मतलब कंटिन्यूसली बनाता रहूँगा, तो फिर गाइस सोएंगे नहीं, फिर आधे घंटे की बात रहेगी, फिर सीधे चलेंगे हम लोग बढ़िया थोड़ा सा घूम के आएंगे आलमबाग वगैरह तक। तो चलो गाइस फटाफट पहले इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, और सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे असाइनमेंट्स बन जाए। टोटल 6 बनाने हैं, जिसमें से गाइस मेरे 3 बन चुके हैं और 3 और बनने हैं। तो गाइस देखते हैं कि कैसे क्या सीन रहता है, एंड फिर मिलते हैं आपको सीधे सुबह, या तो अभी थोड़ी देर बाद फिर से व्लॉग करेंगे गाइस। चलो पहले तो फटाफट लिख लेते हैं थोड़ा सा, तो चलो मिलते हैं या तो आपसे डायरेक्ट सुबह या अभी थोड़ी देर बाद मिलेंगे। तो गाइस अभी 4:05 कम है, और गाइस ये सामने देख पा रहे हो ये कितने प्यारे पपीज़ हैं। ओए सब्सक्राइब कर देना घंटे का बटन दबाकर, और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लेना। तो गाइस आप लोग भी कर लो फटाफट। तो गाइस मुबारक हो आप लोग को भी, और मुबारक हो मुझको भी, क्योंकि गाइस अभी बज गए सुबह के 4:30, और फाइनली गाइस एक मेरा और कंप्लीट हो गया है। अब हल्की हल्की नींद लगनी चालू हुई, बट हम लोग सोएंगे नहीं, क्योंकि गाइस अगर सो गए तो फिर हम लोग सुबह जा नहीं पाएंगे। तो बस आधे घंटे की बात है, आधे पौन घंटे के बाद फिर हम लोग निकलेंगे गाइस मोटो व्लॉगिंग करने के लिए। तो गाइस मेरे 4 बन चुके हैं, मुझे सिर्फ 2 बनाने हैं, वो मैं बैठ के बना लूँगा, और फटाफट गाइस करेंगे सबमिट इसको। बहुत झंझट वाला काम है ये, बुरा अगर आप लोग भी करते होंगे तो आप लोग को मालूम होगा, और करना ज़रूरी है, क्योंकि वह जानते हो गाइस कॉलेज के फंडे और रूल्स वगैरह आप लोग को क्या समझाना। तो गाइस चलो फटाफट इसको फिनिश करते हैं जितना मेरा रह गया है, और फिर उसके बाद हम लोग सीधे जब मोटो व्लॉग करने निकलेंगे तो आपको मिलेंगे।
कपड़ा गंदा आ रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि गाइस हमको मालूम है आप देख रहे हो कि कैसे बिल्कुल मैं कितना भुचट्टा टाइप का लग रहा हूँ, बाल वाल सब इधर उधर जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ गाइस। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अभी जस्ट मैंने कैमरे को ऑन किया है एंड हम लोग जा रहे हैं अब फटाफट आलमबाग। और गाइस मैं आलमबाग किस काम से जा रहा हूँ वो भी बता देता हूँ। गाइस आलमबाग मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि गाइस वहाँ पे मेरी नानी रहती हैं, तो मम्मी भी वहीं पे ही। और गाइस आज तो पहली बात तो आज गाइस कोई पूजा है बरगद जी की, तो मम्मी वहीं पे पूजा करेंगी, तो वही हम लोग भी चल रहे हैं देखने के लिए। और जैसा कि आप देख रहे हो कि सुबह 5 बजे बिल्कुल रोड खाली है, और बाकी दी आप लोग व्लॉग में देखते रहो एंड देख पा रहे हो कि गाइस कितना रोड पे सन्नाटा है। सुबह 5 बजे कोई जल्दी अपने घर से निकलता नहीं है। आप देख पा रहे हो कि मौसम कितना खतरनाक हो रखा है सुबह 5 बजे। और बाकी फ़िलहाल हम लोग गाइस चौराहे पर पहुंच गए हैं एंड धीमे धीमे गाइस हम लोग क्या कहते हैं बढ़ रहे हैं आगे। और फ़िलहाल गाइस मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपना फ़ोन जो है वो डिग्गी में रख दूँ, तो एक मिनट रोक के हम लोग इसको रख लेते हैं डिग्गी में। और फ़िलहाल गाइस आप देख पा रहे हो डिग्गी में फ़ोन रख दिया एंड गाइस डिग्गी में मैंने पैसे भी रख दिए हैं। फिलहाल हम लोग मवैया जो है वो पहुंचने वाले हैं, ये ढलान उतरते ही सीधे चढ़ने के बाद हम लोग गाइस पहुंच जाएंगे मवैया। एंड देख रहे हो कि गाइस कितना बढ़िया लग रहा है। एक बार बता देना कि कैमरे का एंगल सही आ रहा है कि नहीं और कैमरे की क्वालिटी कैसी आ रही है ये भी बता देना एक बार कमेंट करके। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं मवैया, अब हम लोग को सीधे रास्ता पकड़ना है और हम लोग सीधे निकलेंगे गाइस आलमबाग। उसके लिए पहले हम लोग को ये पार करना पड़ेगा, ये जो पुलिस का लगा हुआ है। और गाइस सुबह सुबह भी कारें चलती हैं और बाकी हम लोग गाइस फिर देखते हैं कि रास्ते में क्या होता है। गाइस मौसम आज का बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है। ताजुब खा गया कि सुबह 5 बजे भी गाइस इतनी गाड़ियाँ चलती हैं जैसा कि आप देख पा रहे हो। और गाइस फ़िलहाल गाइस आज कोई पूजा है तो मम्मी वहीं पूजा करेंगी, तो वही हम लोग देखने चल रहे हैं गाइस। और अगर हो सकेगा तो पूजा आपको भी दिखाएंगे गाइस उसका वीडियो बनाकर। और बाकी जैसा कि आप देख पा रहे हो कि गाइस हमेशा यहाँ इस पुल पर पानी ज़रूर भरा रहता है। और बाकी गाइस सबसे मेन प्रॉब्लम इसकी इधर की रोड भी गाइस बहुत ज़्यादा ख़राब है। जस्ट अभी 5:01 हुआ है, मुझे लगा था कि गाइज़ अभी 5 भी नहीं बजा बट 5 बज चुका है। और गाइज़ हम लोग फ़िलहाल मवैया मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं जैसा कि वीडियो में आपको दिख ही रहा होगा। एक बार बता देना गाइज़ एंगल सही आ रहा है कि नहीं। और गाइज़ थोड़ा इधर गाड़ी जो है वो खींच कर देखते हैं कि कितने तक पहुँचती है, तो चलो गाइज़ फट थोड़ा सा इसको खींचते हैं एंड देखते हैं कि कैसी मतलब है एक्टिवा भागने में। तो गाइज़ वैसे बहुत अच्छी स्कूटी होती है एक्टिवा, और ये 60 गई, 70 पहुंच गई गाइस, गाइस 80 पहुंचने वाली, 80 पहुंच ही गई गाइस, 80 पहुंच गई, 80 गाइस पहुंच गई।
ये ऐसी जगह है कि यहाँ पे सुबह हो शाम हो दिन हो रात हो 24 घंटे गाइस भीड़ ही रहती है। और आप देख पा रहे हो कि कितनी बसें खड़ी हैं। और गाइस ये बस वाले भी इतने, मैं ये कह रहा था कि बस वाले भी इतने बदतमीज़ होते हैं कि इतनी लहरा के निकालते हैं कि एक बार तो गाइस मैं भिड़ते भिड़ते बचा था। बट फिलहाल चलो कोई बात नहीं, इस टॉपिक को हटाते हैं। एंड फिलहाल बस हम लोग पहुँचने वाले हैं अपनी नानी के यहाँ। तो गाइज़ मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिखाऊंगा वरना उससे घर जो है वो लीक हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको बस बाहर से ही वीडियो को जो कैमरा है वो ऑफ़ कर दूंगा। और गाइज़ जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इस तरफ सब्जी मंडी लगी है, इसमें बहुत ही ज़्यादा गाइज़ भीड़ होती है सुबह के टाइम पर। ये देख पा रहे हो कि गाइज़ कितनी भीड़ है इसकी सुबह के टाइम पर। और फिलहाल गाइज हम लोग आलमबाग पहुंच ही गए हैं, मेट्रो स्टेशन सामने है गाइज हम लोग के जस्ट। वैसे गाइस अधिकतर इसी जगह पर गाइस चेकिंग लगी रहती है, बट सुबह सुबह गाइस कोई पकड़ता अड़ता है नहीं, कोई पूछता भी नहीं है, आराम से आप अपना जा सकते हो। देख रहे हो कितना सन्नाटा है गाइस, इतना सन्नाटा आपने आलमबाग में गाइस कभी नहीं देखा होगा। दिन हो रात हो सुबह हो शाम हो गाइस आप कभी भी आओ तो गाइस हमेशा यहाँ भीड़ ही मिलती है। और आप जैसा कि देख पा रहे हो कि गाइस कितना सन्नाटा लग रहा है, हमने तो पहली बार देखा है गाइस इतना सन्नाटा। और ये गाइस जस्ट बगल में मेरे दशमेश पब्लिक स्कूल है। ओ ये कुत्ते ने दौड़ाया दौड़ाया दौड़ाया, ओ ये सामने आ गया, अरे अरे अरे, अरे दौड़ा लिस बच गए। अब मौसम देख पा रहे हो कि कितना ख़तरनाक हो रखा है। और एक बार कमेंट करके बताना।